गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। ब्रिटिश संसद ने अगस्त 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया। जो अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं, उसके जो मुख्य मुख्य प्रावधान थे, अब हम उन पर चर्चा करेंगे। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की कल्पना की गई। प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें थीं, उन्हें इस संबंध में रियायत दी गई कि वे चाहें तो इस अखिल भारतीय संघ में शामिल हो सकती हैं, और यदि वे ऐसा मानस नहीं रखती तो ये भी संभव था। लेकिन इसके लिए दो शर्तें रखी गई। रियासत के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हों। रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हों। जिन शर्तों पर इन रियासतों का को संघ में सम्मिलित होना था, उनका उल्लेख भी एक विलय पत्र में किया जाना था। चूंकि यह नहीं हो सका, इसीलिए यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। 1946 तक जो केंद्र सरकार थी, वह भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुसार ही चलती रही। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी संघीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत कार्यपालिका हेतु क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो गवर्नर जनरल था, वो केंद्र के समस्त संविधान का केंद्र बिंदु था। जो प्रशासन संबंधी मामले थे, उन्हें दो भागों में विभक्त किया गया था। एक था आरक्षित एवं दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में विदेशी मामले, रक्षा, जनजातीय क्षेत्र और धार्मिक मामलों को सम्मिलित किया गया था, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी जो समिति थी की सलाह पर करना था। जो कार्यकारी समिति थी, वह केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। हस्तांतरित विषयों में वे सभी अन्य विषय सम्मिलित थे जो कि सुरक्षित या आरक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल को उन मंत्रियों की सलाह से करना था जिनका निर्वाचन व्यवस्थापिका द्वारा किया गया था, तथा ये मंत्री केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसके प्रति उत्तरदायी थे, तथा अविश्वास पारित होने पर इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता था। देश की वित्तीय स्थिरता, भारतीय साख की रक्षा, भारत या उसके किसी भी भाग में शांति की रक्षा, अल्पसंख्यकों, सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रितों की रक्षा, अंग्रेजी तथा बर्मी माल के विरुद्ध किसी भेदभाव से उसकी रक्षा, भारतीय राजाओं के हित सम्मान की रक्षा तथा अपनी निजी विवेकाधीन शक्तियों की रक्षा इत्यादि के संबंध में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम था, उसके अंतर्गत कार्यपालिका के मुखिया के रूप में गवर्नर जनरल को निरंकुश शक्तियाँ प्रदान की गई थी, और उन पर किसी भी प्रकार का जो जिसे हम कह सकते हैं कि कंट्रोल जो था, वो नहीं था, या इन शक्तियों को आप निरंकुश या निरंकुश शक्तियों की संज्ञा जो है वो दे सकते हैं। अब हम इसी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत बात करते हैं व्यवस्थापिका की। जो संघीय विधानमंडल था, वह द्विसदनात्मक होना था, जिसमें राज्य परिषद जो उच्च सदन था तथा संघीय सभा निम्न सदन था। राज्य परिषद एक उच्च सदन था जिसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के पश्चात चुने जाते थे, और इसकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 260 होनी थी, जिसमें से 156 प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकतम 104 रियासतों के प्रतिनिधि होने थे। और ये जो रियासत के प्रतिनिधित्व होते थे, इनका मनोनयन वहाँ के संबंधित राजा करते थे। संघीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होना था, और इसमें सदस्यों की संख्या 250 प्रांतों से और 125 जो सदस्य थे वे रियासतों से होने थे। रियासतों के सदस्य जो हैं वो राजाओं द्वारा ही मनोनीत किए जाने थे, जबकि ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा चुने जाने थे।
यह एक अत्यंत विचित्र व्यवस्था थी या साधारण प्रचलन के विपरीत थी, क्योंकि उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाए तथा निम्न सदन जो उसकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था उसका चुनाव जो था वो अप्रत्यक्ष तरीके से करवाया गया। जो उच्च सदन था में 40% तथा निम्न सदन में 33% सदस्य मनोनीत किए जाने थे। समस्त विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया, जिनमें संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन 3 सूचियों का निर्माण किया गया जो आज भी भारतीय संविधान में, यदि हम ये देखें कि भारतीय संविधान का जो भारत शासन अधिनियम था, आज जो वर्तमान संविधान है उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश प्रावधानों को वैसा का वैसा अपना लिया गया है। संघीय सभा के सदस्य मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे, किंतु राज्य परिषद में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था। धर्म आधारित एवं जाति आधारित निर्वाचन व्यवस्था को आगे भी जारी रहने की व्यवस्था की गई। संघीय बजट जो था उसका 80% भाग ऐसा था जिस पर विधानमंडल मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, और जो गवर्नर जनरल थे उनके जो अधिकार या उनकी जो शक्तियां थी, जैसा कि हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं, वे असीमित थी या अमर्यादित थी, अनियंत्रित थी, निरंकुश थी। तो वे शक्तियां थी कि वे अनुदान मांगों में कटौती कर सकता था, विधान परिषद द्वारा स्वीकार किए गए विधेयक का भी अनुमोदन कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था, किसी विधेयक के संबंध में वीटो का प्रयोग कर सकता था तथा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। अब तक हमने भारत शासन अधिनियम 1935 की दो मुख्य विशेषताएं देखी, जिसमें पहली है अखिल भारतीय संघ का निर्माण और दूसरी जो है वह है संघीय व्यवस्था। अब हम तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वह है प्रांतीय स्वायत्तता, जो शायद भारतीय शासन अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1935 के इस अधिनियम द्वारा जो प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनको स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों को स्वायत्तता एवं पृथक विधिक पहचान बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के आला कमान वाले आदेशों से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार वे प्रत्यक्ष और सीधे तौर पर महामहिम ताज यानी कि क्राउन के अधीन आ गए। प्रांतों की स्वतंत्र आर्थिक शक्तियां एवं संसाधन प्रदान किए गए। प्रांतीय सरकारें अपने स्वयं के साख पर धन उधार ले सकती थीं। जो गवर्नर थे प्रांतों में, अब हम बात कर रहे हैं जो प्रांतों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है के विषय में, तो जो गवर्नर थे वो प्रांत में ताज का मनोनीत प्रतिनिधि होता था, जो महामहिम ताज की ओर से समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता था। अर्थात जो राज्य का गवर्नर है वो सीधे सीधे जो क्राउन है उसके अंडर में आता था। गवर्नर को अल्पसंख्यकों, लोक सेवकों के अधिकार, कानून व्यवस्था, ब्रिटेन के व्यापारिक हितों तथा देशी रियासतों इत्यादि के संबंध में विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। यदि गवर्नर यह अनुभव करे कि प्रांत का जो शासन है वह संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह संपूर्ण शासन को अपने हाथ में ले सकता था, जैसा कि वर्तमान समय में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई हैं। अब हम बात करते हैं प्रांतीय व्यवस्थापिका की। सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों का को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम में मतदाता मंडलों का निर्धारण सांप्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार किया गया, पूना पैक्ट जो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। प्रांतीय विधान मंडलों का जो आकार है तथा रचना विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी। अधिकांश प्रांतों में यह एक सदनीय और कुछ प्रांतों में यह द्विसदनात्मक भी था। द्विसदनात्मक व्यवस्था में उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन जो था वो विधानसभा थी। सभी सदस्यों का निर्वाचन सीधे तौर पर होना था। मताधिकार का जो दायरा है उसे फैलाया गया। पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार प्रदान किया गया। सभी प्रांतीय विषयों का संचालन मंत्रियों द्वारा किया जाता था और ये सभी मंत्री एक प्रमुख अर्थात मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते थे। मंत्री अपने विभागों के कार्यों के प्रति जवाबदेह थे तथा व्यवस्थापिका में उनके विरुद्ध मतदान कर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता था। प्रांतीय व्यवस्थापिका प्रांतीय समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी। जैसा कि हमने पूर्व में देखा है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची जो है, इन 3 सूचियों के आधार पर भारत में शक्ति विभाजन किया गया है। तो संघ सूची पर जो कानून निर्माण है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका करती है और जो राज्य सूची है उस पर कानून का जो निर्माण है वो प्रांतीय व्यवस्थापिका करती है, जबकि समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून का निर्माण करते हैं। अभी भी बजट का जो 40% हिस्सा था वो मताधिकार से बाहर था और गवर्नर को जो अधिकार प्राप्त थे उनमें कि वह विधेयक को लौटा सकते थे, अध्यादेश जारी कर सकते थे और
सरकारी कानून पर रोक लगा सकते थे। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जो अन्य धाराएं हैं उनकी जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसके अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और जो इसके द्वारा संविधान निर्मित किया गया वह एक प्रकार से अनम्य था, यानी कि उसमें संशोधन कठोर कहे जा सकते हैं या ये कहा जा सकता है कि संशोधन करने की जो शक्ति थी वो केवल ब्रिटिश संसद को ही थी। भारतीय विधानमंडल केवल संशोधन का प्रस्ताव कर सकते थे, उसे संशोधित करने की जो शक्ति थी वो उन्हें प्रदान नहीं की गई थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा एक केंद्रीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की गई। बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो ये थी प्रमुख विशेषताएं भारत शासन अधिनियम 1935 की, जिसके अंतर्गत हमने अखिल भारतीय संघ, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता एवं अन्य जो गौण विशेषताएं थीं उनके विषय में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो वाकई में कैसा था। सबसे पहली चीज़ ये कि गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए विशेष संरक्षण एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व से अधिनियम के वास्तविक क्रियान्वयन में रुकावटें आई। जैसा कि हम पूर्व में ही देख चुके हैं कि इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को निरंकुश शक्तियां प्रदान की गई थी और कहीं ना कहीं इसे आप बहुत अधिक लोकप्रिय शासन की संज्ञा नहीं दे सकते और प्रांतों में भी गवर्नरों को जो है वो असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई थी। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता को उभारा तथा अनंततः इसकी दुखद परिणति 1947 के भारत विभाजन के रूप में हुई। जैसा कि अंग्रेज़ों की जो शुरू से ही मंशा थी वह भारत में फूट डालो एवं राज करो का था, तो ऐसे में सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वो भारत की एकता के लिए अत्यंत घातक साबित हुई और यही कारण है कि 1947 में भारत का विभाजन होकर दो नए राष्ट्र अर्थात भारत और एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म होता है। इस अधिनियम ने एक अनम्य रिजिड जिसे कहते हैं संविधान प्रस्तुत किया जिसमें आंतरिक विकास की कोई संभावना नहीं थी। अनम्य संविधान का मतलब ही यही होता है कि जिसमें समयानुकूल परिवर्तन न किया जा सके। जो कठोर संविधान होते हैं बेसिकली उनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है और उसके अलावा ये जो अधिकार था ये भी ब्रिटिश संसद को दिया गया। भारतीय जो प्रतिनिधि थे वे मात्र जो प्रस्ताव है उसे प्रस्तावित कर सकते थे, संशोधन करने की सीधी शक्ति उनके पास नहीं थी। अधिनियम की जो संघीय व्यवस्था थी वह भी एक प्रकार से दोषपूर्ण थी। अधिनियम में जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी न तो ब्रिटिश सरकार उसके प्रति गंभीर थी और न ही उसके लिए कोई निश्चित प्रावधान किए गए थे और इसकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि जो रियासतें थी देसी उन पर छोड़ दिया गया था कि वे चाहें तो इस अखिल भारतीय संघ में शामिल हो अथवा ना हो, इसीलिए संघ निर्माण की अवधारणा कभी भी पूर्ण नहीं हो पाई। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को थोप दिया जिसके अंतर्गत हमने देखा कि विषयों को दो भागों में बांटा गया था, हस्तांतरित और आरक्षित विषय, और द्वैध शासन को साइमन कमीशन ने पहले ही दोषपूर्ण बताया था और उसी व्यवस्था को केंद्र पर थोप दिया गया। और जो भारत शासन अधिनियम था निश्चित तौर पर उसने कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी पकड़ भारत पर मजबूत बनाई थी, तो ऐसे में भारत के जो स्वयं के हित थे उनकी उपेक्षा की गई और जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो भी एक प्रकार से केवल नाम की थी। कार्यान्वयन में ये अत्यधिक एक जटिल प्रक्रिया थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो संसद थी या जो ब्रिटिश थे उनको निरंकुश शक्तियां प्रदान करती थी, मात्र इसमें इसके लोकप्रिय शासन का दिखावा किया गया था जबकि जो जनप्रतिनिधि थे उनके पास जो शक्तियां थी वे काफ़ी सीमित थी और उन पर भी गवर्नर जनरल जो थे उनकी निरंकुशता हावी थी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।